हेलो दोस्तों, धनुश्री अकेडमी से मैं निमिष सर बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है गाइस? यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सभी लोगों का स्वागत है धनुश्री अकेडमी से, मैं निमिष सर आपका स्वागत करता हूँ। आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे शेयर के बारे में जो आईपीओ के बाद 70% से ज्यादा टूट चुका है। 70% से ज्यादा टूट चुका है, वो आईपीओ के बाद कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था और अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा ऊपर बैक हुआ है, बट अभी भी फिर भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आया और उसके आईपीओ के प्राइस से तो काफी नीचे है। और आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सी शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात करने जा रहा हूँ वो शेयर के बारे में जिसका नाम है पेटीएम। तो पेटीएम में मैं आज रहा हूँ, ये शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ गाइस। और पेटीएम का शेयर आज गुरुवार को जबरदस्त तेजी में देखा गया और कंपनी का शेयर लगभग 4% के साथ 668 पे बंद आया है। यहाँ पे अभी हम एनएसई का देख रहे हैं तो एनएसई में 656.85 पे बंद आया है। देखिए यहाँ पर सो आज का क्लोजिंग है 656.85 पे बंद आया हुआ, ये आज का क्लोजिंग है। सो ये है क्लोजिंग है आज का गाइस। और पेटीएम में आज जबरदस्त तेजी रही, 4% के लगभग तेजी रही। और ये तेजी रहने का जो मेन कारण है गाइस, जो आज बाजार में खबरें आ रही थी वो हिसाब से जो मेन कारण है वो है कि उनका क्वार्टर फोर का FY23 के लिए स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो अपना रिवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया, ये रिवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न जो दिया उसमें जबरदस्त चीजें कुछ अलग से दिखाई दी और इसीलिए आज बाजार जो भागा और ऑलमोस्ट 4% की तेजी आज दिखाई दी थी। और इसके मुताबिक जो जो नया पैटर्न आया है उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आया है उसके हिसाब से DII जो है DII है और उसके साथ साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI है, उनकी शेयर धारक का बड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इस वक्त पेटीएम में बड़ा है। अब सभी को मैं बता दूं कि आईपीओ इसका 2021 में आया था गाइस, इसका जो आईपीओ है 2021 में आया था पेटीएम का और तब से ये शेयर जो है वो कंटिन्यूसली नीचे ही चल रहा है और कंटिन्यूसली नए नए लो बनाते ही जा रहा था। अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा लो से रिकवर हुआ, एक टाइम तो ऐसा आया कि 400 के लगभग बेहद करीब आ गया था और वहां से ये बाउंस होके अभी 656 पे आज क्लोज आया है, मतलब थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। जब आईपीओ आया था तो इसका जब आईपीओ आया था तो इसकी जो प्राइस थी वो प्राइस थी 2150 रुपये, यानी कि 2150 रुपये पे इसका आईपीओ आया था और तब लोगों को लगा था कि पेटीएम अच्छी खासी, लेकिन कुछ भी कमाई नहीं हुई, पैसा आज का आया ही नहीं। सो 2150 रुपये से ये आईपीओ दिया गया था जब ये आईपीओ आया था और उसके बाद में आज तक वो प्राइस आई ही नहीं और वहां से नीचे 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 ही जा रहा था। म्यूचुअल फंड जो है वो और AIF ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि DII जो है वो 1.9% से बढ़कर 3.2% हो गए, यानी कि 1.9% से बढ़कर 3.2% बढ़ गई है, मतलब है म्यूचुअल फंड और AIF की हिस्सेदारी। और म्यूचुअल फंड के कुल शेयर होल्डिंग पैटर्न जो था वो तिमाही दर की सबसे लगभग 1% बढ़ा हुआ है। सो म्यूचुअल फंड का कुल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसमें तिमाही दर के हिसाब से लगभग 1% बढ़ा है, जिसमें मिराई एसेट, ये मिराई एसेट जो कंपनी है उसने 1.1% बढ़ाकर 1.8% हो गया है मिराई एसेट में। सो इन्होंने अपना बढ़ाया है। उसी तरह से विदेशी संस्थागत जो फॉरेनर्स है, फॉरेनर्स इन्वेस्टर है, उनका 6.7% से 11.5% की छलांग देखी गई है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि मिराई एसेट में 1.1% से बढ़कर 1.8% बढ़ गया और विदेशी इन्वेस्टर ने 6.7% से 11.5% की छलांग लगाई है।
और यही बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों, इसकी वजह से ही ये आज भागा है। 4% की तेजी हुई है पेटीएम में, और पेटीएम का जो मुख्य कारोबार है वो नेट के थ्रू या उनके ऐप के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करना, ऑनलाइन ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें जो है वो दे रहे हैं। और मुख्य रूप से बता दें कि FPI ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, मुख्य रूप से अलीबाबा द्वारा। हिस्सेदारी की बिक्री का कारण पिछले तिमाही 66% की तुलना में FDI ने हिस्सेदारी 60% है। सो अलीबाबा का हिस्सेदारी जो बिक्री का कारण था पिछले महीने में, उसके सामने 66% की तुलना में FDI की हिस्सेदारी 60% है। सो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। तो इसी वजह से कि शेयर होल्डिंग पैटर्न उनका बढ़ा है, अच्छा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसलिए ये बढ़ा है। देखिए ये IPO कब आया था, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, तो आया था ये जो 2100 रुपए के आसपास, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 2100 रुपए के आसपास ये जब आया 2020 में, ये टॉप था। उसके बाद में कंटिन्यूअसली मंदी हुई, तेजी, फिर थोड़ा टॉप हुआ 800 रुपए के पास, फिर तो 400 के आसपास, 656 पे चल रहा है। सो फाइनली IPO आया था 2150 के पास, IPO आया था, वो प्राइस आज तक नहीं आया। अभी आज उसके 1/3 पे से भी कम हम लोग नीचे चल रहे हैं, जो 1/3 से भी कम नीचे चल रहे हैं, काफी डाउन ट्रेंड में है। सो मेरे हिसाब से अभी भी इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी अच्छी कंपनियां बाजार में मौजूद है इसी तरह की कैटेगरी में। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, यहाँ पर कोई भी बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहे, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा जरूर करें और फिर ही आगे बढ़े। यदि आप शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री अकेडमी में, जहाँ पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाजार में आगे बढ़िए। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कोई भी फील्ड में ग्रोथ नहीं होता। सो प्रोफेशनल से सीखिए, आइए आगे बढ़िए। यदि आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए, ऑनलाइन कोर्स लीजिए, ऑफलाइन कोर्स लीजिए। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाजार में आगे बढ़िए। और पेटीएम में आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। धनश्री एकेडमी, योर मनी योर ड्रीम्स अवर ट्रेनिंग। ज्वाइन अवर कोर्सेज टू लर्न स्टॉक, कमोडिटीज, डेरिवेटिव मार्केट। लॉग ऑन टू www.dhanashriacademy.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।